बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के एक जिला मां पीएम सम्मान निधि मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मां बेहद बड़ा फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामला सामने आ पा है। चौरे मां एक किसान से फर्जी बैंक मैनेजर बनके एक व्यक्ति के द्वारा 5,000 रुपया के लूट का अंजाम देगा। विध क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बाहम कर इस तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। जोड़े में अपना पंचन बता दी कि सागर मां प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के नाम पर धोखाधड़ी के मामला उजागर भाए। साइबर ठगन के द्वारा जो है खाता में रुपया डाले के झांसा दई के खाता से उड़ा ली इनके रुपया। मामला मां फरियादी के द्वारा एसपी कार्यालय पहुंच के शिकायत की गई। शिकायतकर्ता सपना देवी निवासी सागर के द्वारा बतावागा कि मोबाइल नंबर पर फोन आवा, ठग के द्वारा कहागा कि ऊ जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के हेड ऑफिस से बैंक मैनेजर बोल रहा है। योजना के शेष 8,000 रुपया की राशि अपना के खाता मां ट्रांसफर करे है। आप मतलब उनसे उनका मोबाइल नंबर और खाता संख्या आधार कार्ड वेरीफाइड करवा ली। उनके द्वारा जो है मोबाइल पर ओटीपी आबा और वो का बताया देखा है। ओटीपी उनके द्वारा बताया दी इनका, लेकिन खाता में रुपया नहीं रहे तब रुपया नहीं निकल सके। लेकिन कुछ देर बाद बेटा के मोबाइल पर फोन आबा कि उनका गारंटर बनावे का है। लिंक भेजी गए, लिंक खोलते खाता से कुछ देर मां 5,000 रुपया कट गए। रुपया निकाले के सूचना मिलते खाता धारक के द्वारा मामला की जाँच के और मामला के का जो है एसपी कार्यालय पहुंच के धोखाधड़ी हो के शिकायत की गए। अपना पंचक बताया दी कि ठगी के जो तरीका का अपनाए रहे साइबर ठग कहे कि यह में मामला पूरे मध्य प्रदेश में आए रहे। जोड़े मां फर्जी फेसबुक आईडी बना के ठगी चल रही है, बैंक कर्मचारी बन के लोगन से डिटेल मांग के ठगी चल रही है और टावर मोबाइल टावर लगावे के नाम पर ठगी चल रही है। अपना पंचन का यह हम बताए दिए थे कि कैया ठगी से कैसा बचाव संभव है और कौन में अपना बच सके थे, तो अपना पंचन बता दी फेसबुक प्रोफाइल पर प्राइवेसी लगाए के रखे चाहिए। साथ ही मां अन्य कौनो ऐसा अनजान व्यक्ति के फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करे चाहिए। यदि को उधार रुपया मांगत है तो पहले संबंधित व्यक्ति का फोन करके पूरी जानकारी ले ली। दूसरा है यदि कोनो व्यक्ति नौकरी लगवावे के झांसा देत है तो संबंधित कंपनी में जाए के ओकर जानकारी निकाल ली। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है कि यदि कोनो बैंक कर्मचारी बन के अपना से पिन नंबर खाता के विषय में अन्य जानकारी मांगत है तो ओकर जानकारी न दे। बैंक कबो खाता से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है, काहे कि अब जो है यह साइबर ठगी के पूरा माया जाल बन चुका है और लगातार यह साइबर ठगी से आम जन भोले भाले लोग ग्रामीण लोग एक शिकार बन जाते हैं और अपने मेहनत के गाढ़ी कमाई का ई ठगन का जो है धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे जरूरी है कि अपना के हाथ में यदि मोबाइल है तो वह मोबाइल अपना का व्यवस्था दी तो अव्यवस्था दी। ऐसे अव्यवस्था कहाँ कहाँ फैल सका थी और कौने तरीके से अपना के मोबाइल अपना के बैंक खाता खाली कर सका था, ऐसे यह बात माँ बेहद जागरूक होने की जरूरत थी। काहे कि अपना की वह गाढ़ी कमाई यदि अपना उपयोग न कर पाऊ तो यदि थोक लापरवाही करब तो ठग जो है ताक लगाए बैठे कि अपना थोक इनका जानकारी दे और ये अपना के खाता से अपना के गाढ़ी कमाई तुरंत रफू चक्कर कह दे। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।